दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2023 की बढ़ती कट ऑफ को देखकर स्टेट के मेडिकल कॉलेज में जाने और ऑल इंडिया कोटे से मेडिकल कॉलेज ऑप्ट करने से पहले आप एम्स के बारे में सोच रहे हैं? जी हाँ, देश भर के एम्स में कहां तक आपको सीट मिल पाएगी? देश भर में जो एम्स खुले हुए हैं वो अपने आप में प्रतिष्ठित संस्थान तो हैं ही, साथ में बहुत सारे ऐसे नए खुले हुए एम्स हैं जिनमें स्टेट की मेडिकल कॉलेजेज और देश भर की प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेज के कंपैरेटिवली कट ऑफ कम रहती है। किस कैटेगरी में कितनी क्लोजिंग रैंक रहेगी और क्या कट ऑफ रहेगी, इसका अनुमान इस वीडियो में हम लगाएंगे और पिछले साल का आंकड़ा, पिछले साल के डेटा आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप ये आइडिया लगा सकेंगे किस एम्स में आपके लिए कितनी सीटें हैं और ये जो सीटें भरी जाने वाली हैं इनके लिए क्लोजिंग रैंक और कट ऑफ क्या हो सकती है। आइए बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले हम चलते हैं देश भर के एम्स, जो शिक्षण संस्थान है, जो मेडिकल कॉलेजेज हैं जिनमें आप एमबीबीएस करने का सपना पाले हुए हैं, उनमें क्लोजिंग रैंक और कट ऑफ क्या रहेगी, सीट मैट्रिक्स के साथ मैं इस पे बात कर रहा हूं। आइए मेरे साथ इस डेटा पे बात करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देश भर के जितने सारे एम्स हैं उन सारे एम्स की डिटेल आपके सामने यहाँ है। एम्स भटिंडा, एम्स बिलासपुर है, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, एम्स मंगलागिरी, राजकोट, भुवनेश्वर, हैदराबाद, एम्स देवगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, मदुरई, नागपुर, ठीक है, और इसके बाद एम्स न्यू दिल्ली जो देश भर का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, एम्स पटना, एम्स रायबरेली और एम्स रायपुर। ये सारे जितने सारे संस्थान हैं इनमें ओपन कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, मतलब अनरिजर्व्ड के लिए कितनी सीट्स हैं, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी सीट्स हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एससी, एसटी, सारी सीट्स जो है उनकी डिटेल आपके सामने स्टूडेंट्स है। तो ये सीट मैट्रिक्स है एग्जैक्टली जो आपको ये आइडिया देगा कि किस एम्स में कितनी सीटें आपकी कैटेगरी के लिए हैं। अब यहां से जैसे ही आप सीटें कंफर्म कर लें, एम्स भोपाल, ऋषिकेश, रायपुर, रायबरेली, सब सारे एम्स जो हैं उनकी सीटें और सीट मैट्रिक्स आपके सामने खुला है और आपको ये अच्छे से पता है मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो पुराने एम्स में ही हैं, 125 सीट्स हैं। सबसे कम सीटें एम्स राजकोट में हैं, 50 सीट्स। तो ये सीट मैट्रिक्स आपके सामने था। अब मैं इसके बाद आता हूं कि पिछले साल जब एम्स में सीटें अलॉट हुई, जो बच्चों को एमबीबीएस सीट मिली, तो उस एमबीबीएस सीट में राउंड फर्स्ट में कहां तक क्लियर हो पाया था, राउंड सेकंड में क्लियरेंस कहां तक आ पाया था। तो देखिए आपके सामने मैंने राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड का डेटा खोल रखा है। अगर आप एम्स भटिंडा के बारे में सोच रहे हैं, एम्स जोधपुर के बारे में सोच रहे हैं और एम्स बिलासपुर जो है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, एम्स गुवाहाटी के बारे में आप सोच रहे हैं, जम्मू के बारे में आप सोच रहे हैं, मंगलागिरी के बारे में आप सोच रहे हैं, मतलब जिस जिस एम्स की बात हम करें, तो यहां से आपको एक बात ये देखने को मिलेगी, ईडब्ल्यू 2776 ये एग्जैक्टली रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी 2645, एससी 26023, एसटी 47441, ये राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट हुआ था। ये इसके बाद में राउंड सेकंड का अलॉटमेंट है बच्चों, और ये राउंड थर्ड का अलॉटमेंट है जिसमें ईडब्ल्यू 4203 और 3132। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अनरिजर्व्ड कैटेगरी इसमें लिखा नहीं है, तो एम्स भटिंडा जो है, एम्स भटिंडा का ये इस इनिशियल स्टेट का डेटा आपके सामने नहीं है। उसके बाद में बिलासपुर जो है उसमें आप देखिए ये क्लोजिंग रैंक थी बच्चों, ये राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो जितने ज्यादा डेटा हमें मिल पाए, प्रॉपर हम प्रेडिक्ट कर पाए और प्रॉपर चीजें हम जो है वो कैलकुलेट कर पाए, उस हिसाब से हमने मेंशन किया है। ये आपके सामने राउंड फर्स्ट का डेटा है एम्स गुवाहाटी का, ये एम्स जम्मू का डेटा है, तो आप क्लोजिंग रैंक यहां से देख सकते हैं। ये आपके पास एम्स मंगलागिरी का डेटा है और मंगलागिरी में भी देखिए बच्चों, ये यहां तक आपके पास राउंड फर्स्ट है, ये राउंड सेकंड है और ये राउंड थर्ड है। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में इन एम्स में कहां तक सीटें मिली थी। एम्स राजकोट पे आप आ जाइए, एम्स राजकोट के बारे में अगर आपको जानना हो तो ये देखो राउंड फर्स्ट में ये डेटा आपके सामने है, ये राउंड सेकंड का है, ये राउंड थर्ड का है। एम्स भोपाल आप इस बार अपनी रैंक के हिसाब से प्रेडिक्ट कर लें। राजस्थान के बच्चों को विशेष तौर पर ये दिक्कत हो रही है, राजस्थान के बच्चों को आपको पता है उनकी कट ऑफ ऊपर रहेगी, हाई रहेगी। राजस्थान स्टेट में अगर मैं मानूं तो जनरल ओबीसी 13,500-14,000 तक क्लियर ऑलमोस्ट हो पाएगी। अब 14,000 तक अगर वो क्लियर हो पा रही है तो उससे बेटर है कि किसी एम्स में भी वो अप्रोच कर लें। तो एम्स भोपाल ये आपके सामने है, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबी नगर जो हैदराबाद है, एम्स देवगढ़ ये बच्चों आपके सामने, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर। जोधपुर एम्स की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। देखिए पहले राउंड में 1140, ओबीसी 1051, ओपी ओपन कैटेगरी आप कह सकते हैं 569,
एससी, ये एसटीए और फिर ईडब्ल्यूएस, मतलब ये पहली कैटेगरी जो है, पहली राउंड की जो काउंसलिंग थी उसमें ऐसा हो गया था। तो जो ओपन कैटेगरी है वो ओपन कैटेगरी भी अलग से मेंशन कर रखी है, ईडब्ल्यूएस मेंशन कर रखी है, एससी एसटी ओबीसी सब मेंशन है। मदुराई तमिलनाडु आप ही देख लीजिए, एम्स न्यू दिल्ली आपको पता है इसमें क्या हाल होता है। देखिए हाल ये है, EWS 195, OBC 242 पे मिल गया था, ओपन कैटेगरी 55 पे मिला था, 965 SC और ST 3087, ऑल इंडिया रैंक की बात है, ये एम्स पटना है। इसके बाद बच्चों ये एम्स रायबरेली, और एम्स रायबरेली के बाद आपको दे रखा है एम्स रायपुर और लास्ट में एम्स ऋषिकेश। तो ये देश भर के जो 20 एम्स हैं, 20 एम्स, इनका सारा डाटा मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें आप ये क्लियर कर सकते हैं कौन से एम्स में क्या क्लोजिंग रैंक किस कैटेगरी की रही थी। खैर मैं इसको बॉल के पढ़ के एक्सप्लेन करूं, इससे बेटर है कि आप इसको आराम से ऑब्जर्व करें, वीडियो को पॉज करके वहां से आराम से देख सकते हैं। अब ये फाइनल कैटेगरी वाइज जो क्लोजिंग रैंक है, ये कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और देखिए एम्स कैटेगरी वाइज जो क्लोजिंग रैंक है इसी पे डिस्कशन बनता भी है। आप ये जो क्लोजिंग रैंक देख रहे हैं, आप ध्यान रखें स्ट्रॉ वैकेंसी राउंड तक जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसके बारे में ये आपको बता रहा है। तो मैं पहले ही मेंशन कर दूं, ये स्ट्रॉ वैकेंसी राउंड जो था उसमें जो लास्ट में वैकेंसी राउंड जो था लास्ट में उसमें जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसकी बात है। अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे को एम्स में सीट मिली थी लास्ट में 622 नंबर पे, 11782 ऑल इंडिया रैंक थी। तो अगर आपकी रैंक इस बार 11,000-11,500 तक है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको एम्स मिल पाएगा कोई भी। ओबीसी की बात अगर आप करें तो ओबीसी में देखिए 610 नंबर पर 16,346, तो डेफिनेटली मार्क्स तो इस बार आपको पता है काफी ज्यादा है। 16,346 रैंक अगर आपकी है, 16-17,000 के आसपास है, तो आप यहां एम्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं या अपने लिए एम्स के बारे में बच्चों सोच सकते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात अगर आप करें तो ईडब्ल्यूएस में देखिए 12,350 जो है वो ऑल इंडिया रैंक पे ये अलॉट हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें एससी तो 474 नंबर लास्ट अलॉट हुआ था, 104,920 पे अलॉट हुआ था। एसटी 456 पे अलॉट हुआ था, 120,467। अनरिजर्व कैटेगरी फिजिकल हैंडीकेप्ड, ये देखिए यहां अलॉट हुआ था 135 मार्क्स पर, फिजिकल हैंडीकेप की बात कर रहा हूं। EWS फिजिकल हैंडीकेप 193 मार्क्स पर ही अलॉट हो गया था। ओबीसी फिजिकल हैंडीकेप 208 मार्क्स पे अलॉट हुआ था। एससी फिजिकल हैंडीकेप 105 पे और एसटी फिजिकल हैंडीकेप को 100 मार्क्स पे ही जो है वो एम्स मिल गया था। ये बच्चों एम्स की लास्ट टाइम की, मतलब लास्ट राउंड जो हुआ स्ट्रॉ वैकेंसी राउंड 2022-23 का, उसकी कट ऑफ थी और NRI को मिला था 681 पे, 681 नंबर पे आप ये कह सकते हैं NRI को कॉलेज मिला था। तो ये जो एम्स के कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको ज्यादा जानकारी अगर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मेरे काउंसलिंग एक्सपर्ट का, मेरी टेक्निकल टीम के असिस्टेंट्स का एक नंबर, असिस्टेंट्स नंबर आपको दिया जाता है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, आपकी सारी दुविधाओं का समाधान वो करेंगे। काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। मैं एमएम मंडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था, एम्स में जाना चाह रहे हैं तो तैयारियां अपनी पहले ही पूरी कर लीजिए, डेटा मैंने आप तक पहुंचा दिया है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।